Good morning, students. The topic is going in relative pronoun. We have completed two relative pronouns. The second relative pronoun is whom. That works like an object. Whom relative pronoun जो कि कर्म के अनुसार काम करता है. दो चीजें हैं, सब्जेक्ट में वर्ब और ऑब्जेक्ट में वर्ब. रेगुलराइज क्या होता है, रूम जो है वो कभी वैसे ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब ही रहता है. सब्जेक्ट टू ए वर्ब में ये है कि यदि एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न आ गया कि हूम वाले सेंटेंस को हूम से जुड़वा दिया, देन हूम वर्क्स लाइक सब्जेक्ट टू ए वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, हूम का मतलब हो गया कौन, और ये हो गया कर्म का. ठीक है, कर्म का. अब कर्म कार का मतलब क्या है, जो कर्म के रूप में काम करता है. लेकिन कभी कभार क्या है, सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर जाता है. अर्थात जैसे मैंने आपको बताया था कि हूम आगे भी लग जाएगा और सेंटेंस के बीच में भी लग जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये देखें, मैंने फर्स्ट में लिखा, फॉर एग्जाम्पल लिख लिया अपन महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर. ही वॉज known as the father of nation. ये सेंटेंस ये देखो, अब अकॉर्डिंग टू रूल कहाँ आना चाहिए, क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के लिए आने वाला प्रोनाउन क्या है, ही. ओके, लेकिन ये जो प्रोनाउन है बाई चांस क्या कह दिया जाए, कंबाइन द सेंटेंस विद हूम. Then, what will you do in that condition? आप क्या करोगे, क्या मतलब हुआ, यहाँ भी हूम वाला रूल ही काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको जब अपन बनाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले हमने लिया महात्मा गांधी, क्या लगाओगे, ठीक है, क्या आएगा, पहले क्या इसको जब नाउन और प्रोनाउन में से किसी चीज को हटानी पड़े तो क्या है, प्रोनाउन. प्रोनाउन किस तरह रहेगा, हूं वॉज द फादर ऑफ नेशन, बता दी क्या आएगा, महात्मा गांधी हूम वॉज द फादर ऑफ नेशन वॉज ए ग्रेट लीडर. यदि इसमें अपन दूसरा सेंटेंस देखें कि भाई हूम के लिए क्या करें, कि जब अपन ये देखें कि हूम सब्जेक्टिव केस में था, फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर वॉज ए ग्रेट क्रिकेटर, ठीक है, ही वॉज नोन एज द गॉड ऑफ क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट. ओके, उसे जुड़ना चाहिए, लेकिन यहां दे दिया तो हूं आना है, माना है. इसका मतलब इस तरीके की जो सेंटेंस है वो हो गया पार्ट फर्स्ट, और इसको हम कह सकते हैं सब्जेक्ट टू ए वर्ब. किसके रूप में, कर्ता के, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर वॉज ए ग्रेट क्रिकेटर, ही वॉज नोन एज द गॉड ऑफ क्रिकेट. क्या करेंगे, कॉमन लेंगे सचिन तेंदुलकर, क्या वॉज नोन
क्रिकेट कॉमा लगा देंगे, क्या करेंगे, वॉज नॉन, वॉज नॉन एज, वॉज नॉन, वॉज नॉन है क्या करता, वॉज ए ग्रेट क्रिकेटर, ए ग्रेट सी आर सी इन दैट इस तरीके से यदि जबरदस्ती से किसी रूम वाले वाक्य को रूम के रूप में दे दिया तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप रूम को क्या मानेंगे, रूम को मान के चलेंगे आप सब्जेक्ट टू ए वर्क, वी विल डिस्कस अबाउट होम पार्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट टू ए वर्क।